नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनीष वीरजी टेक्निकल में। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर अलग अलग टाइप के, अलग अलग नंबर के, अलग अलग साइज के दोस्तों कैपेसिटर रखे गए हैं। तो दोस्तों टॉपिक आज का ये है कि समर्सिबल जो मोटर होती है उसमें कितने MFD का कैपेसिटर लगाया जाता है, कितने कैपेसिटर उसमें यूज होते हैं, कितने कितने नंबर के कैपेसिटर उसमें लगाए जाते हैं। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि सिंगल फेज में, थ्री फेज में या 5 HP की जो मोटर होती है उसमें कितने MFD का और कितने नंबर का सेल लगाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहना है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है और जो भी जानकारी आपको बताई जाए उनको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि जो समर्सिबल जो मोटर होती है, दोस्तों आपको पता होगा समर्सिबल मोटर कहते किसे हैं। समर्सिबल दोस्तों मोटर वो होती है जिसके अंदर दोस्तों अपन जो मोटर के द्वारा पानी की सिंचाई करते हैं खेतों में। जैसे सिंचाई के साधन दोस्तों बहुत होते हैं, नलकूप होते हैं, कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, वैसे दोस्तों जो समर्सिबल जो मोटर होती है वो किसमें लगाई जाती है। जैसे जो बोरवेल की मोटर से बोर कराते हैं तो उसमें समर्सिबल मोटर लगाई जाती है। तो दोस्तों मोटर लगाने के बाद जो स्टार्टर होता है उसमें हम रेड का और ग्रीन कलर का स्विच लगाते हैं और उसमें दोस्तों कैपेसिटर का भी यूज होता है। कैपेसिटर इसलिए यूज होता है दोस्तों, एक तो मोटर को स्टार्ट करने का काम और एक मोटर की स्पीड बढ़ाने का काम जो करता है वो कैपेसिटर मतलब कंडेंसर करते हैं। तो दोस्तों सबसे सीधी बात पर एक तो बताऊँ, एक कंडेंसर दोस्तों आपको पता होगा स्टार्टिंग कंडेंसर दोस्तों तो फिक्स है 200-250 नंबर का दोस्तों कैपेसिटर उसमें यूज होता है। टिपकॉन कंपनी का हो या किसी भी कंपनी का दोस्तों आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए मैं कोई अथॉरिटी नहीं दूंगा कि आप इसी कंपनी का यूज करें, लेकिन दोस्तों ज्यादातर हम टिपकॉन कंपनी के यहाँ पर यूज करते हैं इसलिए हम टिपकॉन कंपनी के बारे में हम बता रहे हैं। तो दोस्तों एक तो हो गया दोस्तों स्टार्टिंग सेल, उसके बाद दोस्तों बात आती है रनिंग कैपेसिटर की। दोस्तों कई कई बोरवेल जो मोटर होती है उसमें 36 नंबर का सेल भी लगाया जाता है, किसी में 50 नंबर का लगाया जाता है, किसी में 72 नंबर का लगाया जाता है। वो दोस्तों मोटर के ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी मोटर है वो कितने फेज की है। जैसे सिंगल फेज की मोटर है तो 3 HP की है, 2 HP की मोटर है सिंगल फेज की, लो लाइट तो दोस्तों अपने घरों में आप जानते हो घर की। अगर बोरवेल मोटर है तो घर की घरेलू जो मीटर से सिंगल फेज जो लाइट आती है उसमें आप यूज करता है। तो दोस्तों उसमें तो एक तो लग गया स्टार्टिंग कंडेंसर और दूसरा कंडेंसर दोस्तों लगता है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इफेक्ट मानना फिक्स बात, उसमें 50-50 नंबर के 2 सेल उसमें लगाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अक्सर आप कहोगे कि 3 सेल भी हमने देखे हैं लगते हुए, दोस्तों वो इसलिए लगाए जाते हैं कि अगर अपनी जो मोटर होती है समर्सिबल जो पंप होता है वो पानी कम दे रहा हो तो उसके लिए दोस्तों हम एक पावर बढ़ा देते हैं। क्योंकि दोस्तों 2 सेल ये 50 नंबर के लग रहे हैं, एक स्टार्टिंग कंडेंसर लग रहा है, तो उसमें अंदाजा नहीं लगा सकते कि दोनों 50 MFD का कंडेंसर कौन सा कंडेंसर वीक हो गया है, इसलिए दोस्तों हम उसको एक अटैच कर देते हैं ताकि जो समर्सिबल पंप है वो पानी स्पीड के साथ हमें दे। रुक रुक के जो पानी आते हैं उसके भी समाधान दोस्तों यही है, कंडेंसर अपन लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अक्सर लोगों का सवाल ये भी रहता है कि हमारी जो मोटर होती है उसमें एक तो 50 का लग रहा है, एक 72 का लग रहा है। दोस्तों आप क्वांटिटी गिनो, जैसे 50-50 नंबर के 2 सेल यूज हो रहे हैं, मतलब कि आप देख सकते हैं 2 सेल अगर यूज हो रहे हैं तो मतलब कि 100 नंबर का काम हो गया। लेकिन दोस्तों कई मोटरों में क्या होता है, 100 नंबर को क्वांटिटी को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, 36 का लगा देते हैं, 72 का लगा, ताकि वो मिलता जुलता वोल्टेज आ सके। उसके बाद दोस्तों कई मोटर होती है उसमें जो सेल लगाए जाते हैं उसमें एक 50 का और एक 17 मतलब 120, वो इसलिए लगाया जाता है दोस्तों, जैसे 50 नंबर का सेल लग रहा हो या पहले 72 का लग रहा हो, एक सेल से काम हो जाता था। लेकिन दोस्तों 36 नंबर का कंडेंसर लगाने के बाद भी अगर मोटर पर कोई इफेक्ट ना पड़े तो हम 50 नंबर का कैपेसिटर भी यूज कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा इसलिए भी नहीं करते कि जो मैंने बता रहा हूँ, उसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है जो अपनी मोटर है कंपनी, जिस कंपनी की मोटर है, हर कंपनी की मोटर जो होती है समर्सिबल मोटर होती है उसका स्टार्टर में उस मोटर के आधार पर सेल लगाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप सेल चेंज कर रहे हो तो मिस्त्री से ज़रूर पूछें, जो भी बोरवेल मोटर को सुधारता है या वो उसकी रिपेयरिंग करता है तो उससे आप एक बार सलाह लेके ही कंडेंसर चेंज करें। ऐसा नहीं कि मतलब कि हमारी मोटर पानी कम दे रही है तो अपन सेल यूज कर लें, तो दोस्तों सेल ही हर चीज़ का समाधान नहीं होता, आपकी मोटर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों ऐसी कई वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।